नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं सूर्या विशेष। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। चरखी दादरी में 3 दिन चली राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी मेले में, जहां पशुओं ने रैंप पर जमकर खूबसूरती और फैशन के जलवे बिखेरे, वहीं इस अनूठी फैशन परेड में विभिन्न प्रजातियों के पशुओं ने कैटवॉक कर वाहवाही भी लूटी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मेले में गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाया और पशुपालकों का हौसला भी बढ़ाया। ये रिपोर्ट जरा देखें। कभी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती किसानी पर ही आधारित थी, लेकिन आज किसानों ने पशुपालन में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। दूध और इससे बने उत्पादों की बढ़ती डिमांड के बीच अब किसान भी पशुपालन की ओर रुख कर रहे हैं। इससे खेती के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी का भी इंतजाम हो जाता है। पशुपालन क्षेत्र के विकास विस्तार के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी लगातार प्रयासरत हैं। जहां केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना चलाई है, वहीं राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर पशुपालन का रकबा बढ़ने के लिए किसानों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी आगे आई है। यहां के पशुपालन विभाग ने चरखी दादरी में 11 से 13 मार्च तक 39वां राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया। पशु मेले के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। इन तस्वीरों में देखिए, मुख्यमंत्री ने खुली जीप में सवार होकर पशुपालकों और लोगों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों संग मेले में गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाकर पशुपालकों का हौसला बढ़ाया। साथ ही लकी ड्रॉ के माध्यम से ट्रैक्टर, बुलेट बाइक, स्कूटी सहित कई इनाम किसानों को मिले। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार 1 अप्रैल से गांवों में सांझा डेयरी का शुभारंभ करने जा रही है। ये कठिनाई आई उसमें हमें कि घर में गाय का भैंस के बांधने की जगह नहीं है। बैंक वालों ने लोन देना जो है मना कर दिया कि ये बांधेगा कहाँ। इस साल के बजट में हमने एक नई योजना बनाई है कि हम हर गाँव में पंचायती जमीन पर सांझा डेयरी नाम से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि पंचायत की जगह होगी, उसके अंदर एक शेड बनाएंगे, जिसने अपनी गाय भैंस आके बांधनी है बांधो, सेवा करो, शाम को सवेरे दूध निकाल करके बेचो। हम सांझा डेयरी कार्यक्रम शुरू करेंगे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हमारा सहकारिता विभाग इस काम को करेगा। 1 अप्रैल से उस योजना को लॉन्च करेंगे और गांव में जो लोग इस प्रकार के हैं, जिनके पास जगह नहीं है, 2 पशु 3 पशु 1 पशु जितना भी लोन लेना चाहेंगे उनको देंगे। अगले साल में हम चाहते हैं ऐसे परिवार, अभी 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख रुपया साल से कम है, जिसमें से 80,000 लोगों की एप्लीकेशन तो हमने मार्क कर दी है बैंकों को, इनको लोन दे दो, काफी को दे दिया, बाकी चल रहा है। अगले साल में 2 लाख परिवारों को और हम लोन देंगे। बैंकों से बात हो गई है कि हम पशु के लिए, पशुपालन के लिए या अन्य कोई काम करने हैं, ऐसे 2 लाख परिवारों के लिए 2,000 करोड़ रुपया हम रिजर्व रखते हैं, उनको सबको देंगे। पशु मेले की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने काफी सराहना भी की और इसे एक अच्छी पहल बताया। हाँ, पशु मेला जो है वो यहाँ लगा है, हर वर्ष की भांति कहीं ना कहीं लगाते हैं और एक अच्छा कार्यक्रम है हमारे पशुपालन विभाग का। तो उसमें जितने भी कंपटीशन भी करवाते हैं पशुओं के, अच्छे पशु उनको इनाम दिए जाते हैं और जो नई जानकारियाँ, साइंटिफिक जानकारियाँ वो उनको दी जाती हैं, पशुधन का कैसे उपयोग अच्छा हो सके, खास करके दूध देने वाले पशु, इनको कैसे हम और आगे दूध देने की प्रक्रिया को बढ़ा सकें। अभी तक हमारा जो दूध की मात्रा जितनी प्रदेश में होती है, हम नंबर 2 पर हैं, नंबर 1 पर पंजाब है, नंबर 2 पर हम हैं। प्रति व्यक्ति 1,084 ग्राम इतना दूध जो है वो हमारे यहाँ उपलब्ध होता है। हमारे यहाँ से दूसरे प्रदेशों में भी दूध जाता है, दिल्ली को भी दूध जाता है, लेकिन फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ज़्यादा दूध देने वाला जो वंश, यानी पशु वंश है, चाहे वो गोधन है चाहे भैंसों का विषय है, ज़्यादा से ज़्यादा दूध जिनसे मिल सके, ऐसी जो इंडिजिनस जो वैराइटीज़ हैं, जो हमारे देसी जिसको कहते हैं गाय भैंस के जो नस्ल है,
उसको कैसे और आगे दुधारू बनाया जाए, इस पर हम प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के पशु मेले से अन्य पशु पालकों को बेहतर किस्म के पशु पालने की प्रेरणा मिलती है और उन्नत किस्मों के पशुओं को देखने का अवसर भी मिलता है। सूर्या समाचार के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। चरखी दादरी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई अनाज मंडी में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया और 150 मिनट के अंदर 250 शिकायतों की सुनवाई भी की। मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा शिकायतें जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित पहुंची थी। ये रिपोर्ट जरा देखिए। समस्याओं के समाधान के लिए जनता और सरकार के बीच संवाद की जरूरत को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी समझते हैं, इसलिए जिला स्तरीय कार्यक्रमों के साथ साथ मुख्यमंत्री इन दिनों जन संवाद कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। जनता से जुड़ी समस्याओं को आमने सामने लाकर सुलझाने की मशक्कत बहुत ही कम जन प्रतिनिधि करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग तरीकों से लोगों की समस्याओं के जल्द निपटारे की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में जब चरखी दादरी में मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम का मंच सजा तो वहाँ 250 के करीब फरियादी पहुँचे और मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताई। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वैसे तो हमने सीएम विंडो का प्रावधान कर रखा है और उसमें लाखों की जो शिकायतें आई हैं उनका समाधान भी लगातार हम करते हैं। फिर भी एक कार्यक्रम मैंने बनाया कि हर जिले में जा करके और जो लोगों की ऐसी लंबित जो हैं पेंडिंग जो समस्याएं हैं, हर विभाग की कुछ ना कुछ मिलती हैं। यहाँ पुलिस की भी थी, पब्लिक हेल्थ की थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ पीने के पानी की समस्याएं भी कुछ आई हैं, कुछ लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं, जमीन का बंटवारा है, यानी इस प्रकार से कुल मिलाकर के आज से पहले तो 160 समस्याओं को इन्होंने रजिस्टर किया था, लेकिन आज भी लगभग 100 समस्याओं को नए सिरे से और जो नए लोग आए उनकी भी रजिस्ट्री की है, तो ऐसा 250 लोगों को जो है हमने सब सुना है। समस्याओं के जल्द निपटारे के लिए जिला स्तरीय अधिकारी भी जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्यवाही का भरोसा दिलाया। सब लोगों ने यानी जिला स्तर के ऊपर के लेवल के अधिकारी भी सब बुलाए थे ताकि समस्याओं का ठीक से समाधान हो सके। बिजली की समस्याएं कई जगह की थी, इरिगेशन की कुछ थी, तो ऐसी सब समस्याओं का हमने सुना है और मोर और लेस लोगों को सेटिस्फेक्शन के लेवल पर लाए हैं। कुछ चीज़ें जो यहाँ सॉल्व होने की नहीं है वो चंडीगढ़ के लिए भी हमने रेफर कर दिया, चंडीगढ़ ले जाकर उनको हल कराएंगे। एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी और पिछले मेरे ख्याल 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया था, तुरंत हमने फ़ोन करके और अभी उनको निर्देश दिया, उनका परसों आज हम ज्वाइनिंग कराएंगे तो उसकी ज्वाइनिंग जो है HSID से परसों हो जाएगी। चरखी दादरी के लोगों ने जब लगातार बढ़ती जल निकासी की समस्या को मुख्यमंत्री के सामने रखा तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्षेत्र में 2 महीने के लिए सुपर सकर मिशन को परमानेंट लगाने के निर्देश दिए ताकि दादरी शहर को सीवरेज जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। वहीं जब समसपुर गांव में पानी की किल्लत की बात बताई तो मुख्यमंत्री ने इसके समाधान के लिए भी टैंकर से पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शिकायतों के समाधान के लिए एक कारगर पहल प्रदेश में 8 पहले भी शुरू की गई थी। सीएम विंडो के नाम से चल रहे इस सुविधा का असर ये है कि सीएम विंडो और सोशल मीडिया पोर्टल पर 13 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थी, जिनमें से 90% समस्याएं हल कर ली गई हैं और लोगों को उत्साहित करने वाली जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी है। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वैसे तो हमने सीएम विंडो का प्रावधान कर रखा है और उसमें लाखों की जो शिकायतें आई हैं उनका समाधान भी लगातार हम करते हैं। फिर भी एक कार्यक्रम मैंने बनाया कि हर ज़िले में जा करके और जो लोगों की ऐसी लंबित जो हैं पेंडिंग जो समस्याएं हैं, हर विभाग की कुछ ना कुछ मिलती हैं, यहाँ पुलिस की भी थी, पब्लिक हेल्थ की थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ पीने के पानी की समस्याएं भी आई हैं, कुछ लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं, जमीन का बंटवारा है, यानी इस प्रकार से कुल मिलाकर के आज से पहले तो 160 समस्याओं को इन्होंने रजिस्टर किया था, लेकिन आज भी लगभग 100 समस्याओं को नए सिरे से और जो नए लोग आए उनकी भी रजिस्ट्री की है, तो ऐसा 250 लोगों को जो है हमने सब सुना है, मोर और लेस लोगों को सेटिस्फेक्शन के लेवल आए हैं। कुछ चीज़ें जो यहाँ सॉल्व होने की नहीं है तो चंडीगढ़ के लिए भी हमने रेफर कर दिया, चंडीगढ़ ले जाकर उनको बताएंगे। एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी और पिछले मेरे ख्याल 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया था, तुरंत हमने फ़ोन करके और अभी उनको निर्देश दिया और उनका परसों आज हम ज्वाइनिंग कराएंगे तो उसकी ज्वाइनिंग जो है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान ही प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को भी जानकारी दी और बताया कि सरकार बेहतर और दुधारू नस्ल के पशुओं की बढ़ोतरी के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री से सीधे संवाद के बाद
स्थानीय लोग समस्याओं के समाधान को लेकर आश्वस्त दिखे। मनोहर सरकार के नए नए प्रयास लोगों को बड़ी और फौरी राहत देने के काम कर रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस का राजभवन कूच सफल नहीं हो पाया। चंडीगढ़ पुलिस ने रास्ते में ही कांग्रेसी नेताओं को रोक लिया। इस दौरान पुलिस और नेताओं में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान सहित कई नेताओं को कुछ देर के लिए हिरासत में भी लिया गया। चंडीगढ़ की सड़कों पर सोमवार को हंगामा बरपा रहा। हर तरफ कांग्रेसी नेताओं का हुजूम नजर आया। ये तस्वीरें उसी विरोध मार्च की हैं। हरियाणा कांग्रेस नेताओं ने राजभवन चलो कार्यक्रम के तहत कई मुद्दों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में सभी कांग्रेस नेता अपना विरोध प्रदर्शन जताते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जाने वाले थे कि उससे पहले ही प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। कांग्रेस दफ्तर से सैकड़ों की संख्या में निकले कार्यकर्ताओं को राजभवन पहुंचने से काफी पहले ही रोक लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने उदय भान, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई बड़े नेताओं को कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया। इस कड़ी में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी हर राजभवन पे घिराव, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो हमारी मांग है कि जांच हो, जो अदानी समूह से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं जिनको लेकर आज देश में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से राहुल गांधी जी ने संसद में इन बातों को रखा और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की के गठन की और उनके माध्यम से जांच कराने की मांग को रखा। आज संसद में 18 दलों ने एक स्वर से उस मांग का समर्थन भी किया है और एक स्वर से एक मांग करी कि किस कैसे आज एक ऐसा देश के अंदर विचित्र हालात बने कि 10 लाख करोड़ एक समूह के डूबे, लेकिन उसके साथ साथ LIC के 44,000 करोड़ डूब गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डूब गए और हर प्रदेश में उस ग्रुप के प्रति सरकार का रवैया उनको लाभ पहुंचाने का रखा, जिसमें हरियाणा प्रदेश भी शामिल है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ये सरकार क्यों भाग रही है, आज क्या कारण है कि जो 38 सेल कंपनियों से काला धन अदानी की कंपनियों में लगा, आज ED कहाँ है, आज वो SEBI कहाँ है, आज 44,000 करोड़ रुपए LIC का डूब रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज 82,000 करोड़ रुपए नेशनलाइज्ड बैंकों का डूब रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज JPC की कोई अगर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग है विपक्ष की और 18 विपक्षी दलों की, तो क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। हरियाणा कांग्रेस का राजभवन कूच तो सफल नहीं हो पाया। चंडीगढ़ पुलिस ने रास्ते में ही कांग्रेसी नेताओं को रोक लिया था, लेकिन कांग्रेस अपनी आगामी रणनीति के तहत फिर से सरकार को घेरने के लिए प्रयासरत है, जिसके तहत 14 मार्च से लेकर 21 मार्च तक हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के समापन पर 25 मार्च को सोनीपत में एक बड़ी रैली होगी, जिसे पर्दाफाश रैली का नाम दिया गया है। पर्दाफाश रैली के बाद 2 अप्रैल को यमुना नगर में विपक्ष अपने समक्ष कार्यक्रम भी होने हैं। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट। बात हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी जारी है। अब कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने इशारों इशारों में अपनी पार्टी के साथियों पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर चली जाएं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब किरण चौधरी ने उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इशारों इशारों में निशाना साधा हो।
किरण चौधरी नजर आती है सारी जगह। हरियाणा कांग्रेस की आपसी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी का अपनी ही पार्टी के साथियों के साथ तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। आए दिन किरण चौधरी कांग्रेस के ही नेताओं पर जुबानी हमला बोलती रहती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेसी नेता किरण चौधरी का नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं। आदमपुर उपचुनाव में किरण प्रचार के लिए नहीं आई थी, वहीं राज्यसभा चुनाव में भी उनके विरोधियों ने किरण चौधरी पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया था, जिस पर किरण ने इसे अपने राजनीतिक विरोधियों की साजिश करार दिया था। अब किरण चौधरी का कहना है कि पार्टी में कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर चली जाएं। सुनिए जरा। तो आप समझ सकते हैं कि किरण चौधरी का कितना वजूद होगा। वो कह रहे हैं हम बीजेपी में नजर आ रहे हैं। वो उनकी मंशा ये है कि अच्छा ये वो कहते हैं ना इसकी वो कटे यहाँ से कि हमारा रास्ता खाली हो, पर इतनी आसानी से रास्ता खाली करने वाली तो नहीं हूँ मैं। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और घड़ेबंदी की बात समय समय पर जग जाहिर होती रहती है। कांग्रेस के नेताओं को ये बात बिना किसी देरी के समझनी होगी कि राजनीतिक विरोधियों से टक्कर लेने से पहले गुटबाजी से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा, ताकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को खामियाजा न भुगतना पड़े। सूर्या समाचार के लिए हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट। हरियाणा में सियासी सरगर्मी तेज है। 2024 की तैयारियों में सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश में जुटी हैं। अपनी जीत का दम भरने वाली हर पार्टी दूसरी पार्टी पर भी तंज कसती नजर आती है। इसी कड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2024 चुनाव में आर पार की लड़ाई वाले बयान पर हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव ने चुटकी ली। साथ ही मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी ने हुड्डा की उम्र का हवाला देते हुए उन्हें संन्यास लेने की नसीहत भी दे डाली। रिपोर्ट देखिए। अब की बार आर पार। सुना आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान, जिसमें उनका साफ कहना है कि अनवरत जनता हित के लिए संघर्ष की लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन इस बार का चुनाव आर पार का होगा। 2024 की आर पार की लड़ाई को लेकर हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव ने चुटकी ली। हुड्डा के बयान पर बिप्लब देव ने कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ने भी ऐसा ही कहा था, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, इनकी बातों में नहीं आने वाली। इसलिए पारी कौन कहता है, अपने बिहार के इलेक्शन में देखा नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था लास्ट पोल में असेंबल मेरा आखिरी पड़ी है, तो उसके बाद देखा और भी कुछ बनना चाहते हैं, और भी कुछ होना चाहते हैं। तो जो लोग ऐसे बात बोल के जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जनता बहुत चतुर है, जनता बहुत समझदार है, इन लोगों को देख चुका है, इन लोगों को समझ चुके हैं, इनका सत्ता भी देख चुके हैं, सत्ता का रूप भी देख चुका है, इनके व्यवहार भी देख चुका है, और वो उब चुका है। तभी ला के भाजपा का सरकार बनाया, मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री हम लोगों ने बनाया, और उन्हें एक निष्पक्ष सरकार दी, एक परिपक्व सरकार दी, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट सरकार दी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष की मजबूती वाले सवाल पर बिप्लब देव ने कहा कि पूरे देश में विपक्ष है कहां, जिस यात्रा का गुणगान ये कर रहे हैं उसका जीता जागता उदाहरण सबने देखा। कांग्रेस के समय की सत्ता परिवार की होती थी, इस समय की सत्ता जनता की है। पूरे देश में विपक्ष है कहां, एक ने शुरू किया था पद यात्रा, बोले भारत जोड़ो निकला हूँ, बाद में देखा जाके भाई बहन जाके बर्फ में खेल रहा है, तो लोगों ने देख लिया उनके भारत जोड़ने का नमूना क्या है, नमूना ये बचपना है, तो देख चुके हैं देश, ऐसे नेताओं को देख भी चुके हैं, और इनको इनको सत्ता में बैठा भी चुका है, उनके सत्ता भी देख चुके हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता भी देख रहे हैं। आज जो सत्ता है वो जनता की सत्ता है, और कांग्रेस के समय सत्ता एक परिवार की होती है, तो स्वाभाविक रूप से
जनता की सत्ता देश के हित में होती है, वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही देश। वहीं पूर्व राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र हो चुकी है तो उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। 75 की होगी तो रेस्ट करें, बात है तुम्हारे पास क्या करना था, क्यों तंग हो रखा, रेस्ट करें। और वैसे भी आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस मृतप्राय है, कहीं कोई नाम ले हुआ बचा नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किस बात की लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम, परिवार अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने भतीजों के लिए, लूट सूट के लिए, किस क्या लड़ाई लड़ना चाहते हैं। रेस्ट करें, 75 की होगी, बात खत्म है, और कितना करेंगे, क्या करेंगे। उन्होंने किस किस को ख़त्म नहीं किया, राविंदर जी सिंह की पार्टी छिटवा दी, चौधरी धर्मवीर जी को किनारे कर दिया, रमेश कौशिक जी को किनारे कर दिया, अशोक तंवर को किनारे कर दिया, शैलजा जी को किनारे कर दिया, और कितना कांग्रेस को खाना चाहते हैं आदमी, सिर्फ अपने बेटे के लिए। आज एक भी लीडर उसके पास, मैं दावे के साथ कहता हूँ, 2 लोकसभा सीटें हैं, बता दें, वो 2 लोकसभा सीटें सरसा और अम्बाड़ा में, 80 उसके पास कौन नेता है, शैलजा है, सरसा लड़ेगी, अम्बाड़ा खाली हो जाएगी, अम्बाड़ा लड़ेगी, सरसा खाली हो जाएगी, नाम लेवा है नहीं कोई। दरअसल इन दिनों हरियाणा में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़े अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। इसी कड़ी में 10 मार्च को भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी संपाला किलोई में जनता का समर्थन लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ किया कि अब वे 75 साल के हो गए हैं, इसलिए ये उनकी आखिरी आर पार की लड़ाई है। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज और फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। तीन साल बाद कोरोना महामारी से राहत मिल रही थी, लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। इसी को लेकर केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों में एडवाइजरी जारी कर दी है और अस्पतालों में तैयारियां शुरू की जा चुकी है। हमारी रिपोर्ट में जिलेवार देखिए कहां क्या तैयारी चल रही है। कोरोना के बाद अब लोगों को देश में फैल रहे वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा का डर सताने लगा है। केंद्र ने भी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। वहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों में एडवाइजरी जारी कर दी है। फतेहाबाद में H3N2 इन्फ्लुएंजा का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने फ्लू क्लिनिक एक्टिव कर दिए हैं। ये मौसम बदलता एक सबसे बड़ा कारण है। जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दियां थी, एकदम से मौसम बदल के गर्मी आ गई और फिर से मौसम में हल्का हल्का ठंडापन है। तो ये वायरस है, बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस है, और ये कोई नया वायरस नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत पुराना वायरस है। और जैसे हमने कोविड में देखा है कि ये वायरस म्यूटेट करता है, हम सबको पता ही है। तो जैसे ही एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव होते हैं, ये अपने हिसाब से म्यूटेट कर लेता है, तो अलग अलग रूप में ये सामने आता है। पहले कोविड के रूप में सामने आ रहा था, अब H1N1 के रूप में सामने आया, अब H3N2 के रूप में सामने आया है। सारे ये बिल्कुल इन्फ्लुएंजा वायरस, इसकी कोई ऐसे स्पेसिफिक दवाई नहीं है, उसका सिम्टोमेटिक इलाज होता है, जैसे लक्षण वैसी दवाई। तो हाँ, सरकार की तरफ से भी यही गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि अगर कोई खांसी, बुखार, जुखाम, गले में खराश अगर माइल्ड है तो वो अपना घर पे भी बेसिक दवाइयाँ ले सकता है, जैसे कि बुखार की PCM आती है, सिंपल सिरप ले सकता है, खूब सारा पानी पिए, रेस्ट करे, तेज बुखार हो जाए या सांस लेने में तकलीफ हो जाए या बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो तो वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके कंसल्ट करे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ ना लें, क्योंकि लोग आजकल तुरंत ही नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे जाके सीधा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जबकि ये जैसे कि वायरल है और वायरल में एंटीबायोटिक्स का कोई खास रोल नहीं होता जब तक डॉक्टर को ज़रूरत ना लगे। तो यही है कि बेसिक है तो अपना घर पर रहे, क्योंकि देखिए वायरस है, इसका एक जीवन चक्र होता है, आप चाहे कैसी भी दवाइयाँ लें चाहे ना लें, ये अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, जो कि कई बार 6 से 7 दिन का भी होता है और कई बार 8 से 10 दिन का भी होता है। तो इसमें ये है कि नॉर्मल है तो अपना घर पे रहे, बेसिक ट्रीटमेंट ले, PCM पानी वगैरह ले, और ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसको लेकर अम्बाला के CMO कुलदीप सिंह का कहना है कि इससे लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तापमान के बढ़ने के साथ ही ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जो H3N2 जो वायरस डिटेक्ट हुआ है अभी, और अभी जीनोटाइप सीक्वेंसिंग जो आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज रोहतक में और MD यूनिवर्सिटी रोहतक में इसकी जीनोटाइप सीक्वेंसिंग स्टार्ट हुई है, और जो H3N2 है, चाहे H1N1 हो या जितने भी इन्फ्लुएंजा टाइप, इन्फ्लुएंजा के
इन्फ्लुएंजा टाइप ए, इन्फ्लुएंजा की चार टाइप होते हैं ए बी सी डी, मोस्टली जो कॉमनली अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को, इन्फ्लुएंजा टाइप ए का जो वायरस है वो आजकल जो जिसको सीजनल फ्लू बोलते हैं और पार्टिकुलरली सर्दियों में अफेक्ट करता है। इसकी जो H3N2 है ये आपको बताऊँ H18 तरह के होते हैं और N11 तरह के होते हैं। वहीं बात करें करनाल की तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रोजाना ऐसे मरीज आ रहे हैं जिन्हें बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश, उल्टी, दस्त है और इस वायरस से जुड़े लक्षण में भी यही बीमारियां आती हैं। देखिए ये H3N2 जो है ये इन्फ्लुएंजा ए की कैटेगरी में आता है, वायरल बुखार है और इस मौसम में अक्सर इसके जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं नॉर्मली भी। हाँ, लेकिन इस बार केसेस बहुत ज़्यादा हैं और कुछ केसेस में समस्या जो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा होने का एक कारण ये भी है कि पिछले 2 साल में जैसे कोविड ही मेन वायरस था जिसके इन्फेक्शंस मेनली हो रहे थे, तो इम्यूनिटी जो इन फ्लू वायरसेस के अगेंस्ट होती है वो हमारे शरीर में कम थी, जिस वजह से जो अब की बार फ्लू के इन्फेक्शन हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं नंबर में और थोड़े से तेज़ हैं। पहले बिल्कुल ये वैसे तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही है, ये नाक और गले में ही ज़्यादातर इन्फेक्शन करता है, लेकिन कुछ केसेस में ये इन्फेक्शन फेफड़े में भी जा सकता है। वहीं सोनीपत में अभी तक H3N2 वायरस से कोई भी मरीज संक्रमित नहीं मिला है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने नागरिक अस्पताल में ओपीडी की संख्या बढ़ा दी है। H3N2 वायरस को लेकर एक बार फिर से लोगों में भय का माहौल बनता जा रहा है। नारनौल के नागरिक अस्पताल में इस नए वेरिएंट के वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और एक स्पेशल वार्ड भी बनाया है। मौसम के बदलने से अब लोगों में खांसी, जुकाम और हल्के बुखार की शिकायत आने लगी है। आजकल हमारे पास बहुत सारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं H3N2 की क्वेरी को लेके कि ये कौन सा वायरस है और क्या ये कोविड जैसा ही है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इन्फ्लुएंजा का ही एक वेरिएंट है, H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, जो अभी मौसम का एकदम जो बदलाव हुआ है एक्सट्रीम कोल्ड से और जब हम एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर पे जा रहे हैं सर्दी से गर्मी की तरफ, तो इस कारण से ये पनप रहा है और इसके वही लक्षण हैं कि सोर थ्रोट, कोल्ड, स्नीजिंग, फीवर और ठंड लग के बुखार आना। तो इसके लिए हमें यही एहतियात रखनी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क का प्रयोग करें, हैंड हाइजीन और अपनी सेफ प्रैक्टिसेस सैनिटाइजर्स का उपयोग करें, वह एक दूसरे के संपर्क में जब आ रहे हैं तो अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। इसके अंदर बुखार, ठंड लग के बुखार आना, गले के अंदर दर्द महसूस करना, सोर थ्रोट जैसे कि खांसी बन जाना और साथ में स्नीजिंग। हरियाणा में H3N2 से जींद में एक मौत हो चुकी है। हालात काबू में रहें इसलिए अभी से हरियाणा के अस्पतालों में तैयारी की जा रही है। खैर, प्रशासन तो अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन जरूरी है लोग भी सभी तरह से एहतियात बरतें, क्योंकि इलाज से बेहतर बचाव ही है। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल, अंबाला से नरेश, करनाल से हिमांशु, सोनीपत से सन्नी और नारनौल से जुगेंद्र की रिपोर्ट। सूर्य विशेष में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।